हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो जोहार और अपने बिहारी स्टाइल में तो कैसन बड़ा लोग वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। और आज की इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने बिहार पैरामेडिकल का 2019 का केमिस्ट्री क्वेश्चंस जो कि पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में डीसीईसी पीएम में। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट 8 प्रश्न जो कि केमिस्ट्री सेक्शन से पूछा गया था 2019 के बिहार पैरामेडिकल के एग्जाम में। सो वीडियो शुरू करने से पहले क्लास शुरू करने से पहले आपको इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ बेल आइकन ना दबाना भूलना जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और एक और महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो और आप चाहते हो कि टाइम से टाइम क्विजेज आपके हो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिले और इस पीडीएफ का आपको पीडीएफ मिले तो आप जाके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है, साथ ही साथ फेसबुक और आपका इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक है, वहाँ पर भी कुछ कुछ ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी। और टेलीग्राम में तो खासकर जुड़ जाना है आपको क्योंकि वहाँ पर आपको क्विजेज भी कराई जाएंगी आपके एग्जाम तक, तो जाके वहाँ पे जुड़ जाइए। जल्दी वहाँ पे क्विजेज भी शुरू होंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे और गैसेस क्वेश्चंस भी मिलेंगे केमिस्ट्री सेक्शन से, फिजिक्स सेक्शन से, बायोलॉजी सेक्शन से, आपको किस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं विद सॉल्यूशंस आगे चल के वहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर लिंक में नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के वहाँ पे लिंक दे रखा हुआ टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच हैज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ कार्बन बॉन्ड। आपका ये है कि विच हैज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो किसमें कार्बन कार्बन अवंध की सबसे कम लंबाई होती है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है C6H6, फिर दूसरा ऑप्शन है C2H4, तीसरा ऑप्शन है आपका C2H2 और चौथा ऑप्शन है C2H6। तो आपको बताना है कि C6H6 बड़ा है, सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ है इसके बीच में, कि इसमें है C2H4, कि C2H2 में है, कि आपका C2H6 में है। तो आपको बताना है कौन सा शॉर्टेस्ट लेंथ होगा कार्बन कार्बन के बीच में, दो कार्बनों के बीच में। तो आपको कैसे पता चलेगा, तो इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। तो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कैसे होगा, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर C6H6 का, यानी हम लोग ब्यूटेन बेंजीन का कैसे हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें एक एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पहले दे दीजिए, ये आपका हो गया। अब एक एक डबल बॉन्ड जाएगा, एक एक डबल बॉन्ड जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ गया, यहाँ गया, एक यहाँ गया। अब H से इसको जोड़ दीजिए, यह आपका C6 का है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा नोट्स। ये हो गया आपका। अब आपको बताना है कि शॉर्टेस्ट कैसे होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन करके एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 में, केमिकल बॉन्डिंग में, चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एग्जामिनेशन, वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया। तो sp, sp2 और sp3, ये तीन कंडीशन होते हैं। तो sp में सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ होता है ट्रिपल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में उससे ज़्यादा, और सिंगल बॉन्ड में तो सबसे ज़्यादा रहता ही है। तो बॉन्ड लेंथ आपका सबसे कम किस में रहता है, बॉन्ड लेंथ सबसे कम ट्रिपल बॉन्ड में रहता है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ये कंडीशन है याद रख लीजिए। तो बॉन्ड लेंथ आपका सबसे कम रहता है सिंगल बॉन्ड में, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड है, इसमें देख लेते हैं पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा C2H4 का, दो C है और दो H इसमें जोड़ दीजिए, H H H H, और ये आपका डबल बॉन्ड, ये भी आपका डबल बॉन्ड है, ये भी आपका sp2 है, ये भी आपका sp2 है। अब थर्ड वाला देख लेते हैं C2H2 में बस एक H, इधर एक H, तो ट्रिपल बॉन्ड इसमें होगा, तो ये है ट्रिपल बॉन्ड। और C2H6 इसमें क्या है आपका, आराम से पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है H से, तो ये तो आपका होगा sp3, ये आपका होगा sp3। तो यहाँ तीन है, एक sp है, एक sp3 है, एक sp है, एक sp2 है और एक sp2 है। तो मैंने कहा था कि sp का सबसे छोटा होता है, ठीक है, sp का सबसे छोटा होता है और sp3 का सबसे बड़ा होता है।
तो यहाँ पे एसपी कौन सा है, सी है ऑप्शन, तो सी आपका एसपी और हाइब्रिडाइज है, एसपी हाइब्रिडाइज है, इस वजह से आपका सी टू एस टू करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन किस बेसिस पे बना है, आपका थ्योरी जो आप जानते होंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़े होंगे तो वही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार लास्ट बता रहा हूँ फिर से कि एस पी थ्री सबसे बड़ा होता है बॉन्ड लेंथ, फिर एस पी टू होता है और सबसे छोटा होता है एस पी, ठीक है। तो ये आपका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर वन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि आपसे पूछा जा रहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एच आई गैस इज इक्वल टू हाफ एच टू गैस प्लस हाफ आई टू गैस इज 8। तो द टाइम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज एच टू गैस प्लस आई गैस इक्वल टू 2HI गैस विल बी। तो अभिक्रिया हिंदी में देख लेते हैं, अभिक्रिया हमारा एक गैस दे रखा है, ठीक है, एच आई गैस, जिसका साम्य पे है, वो इक्विलिब्रियम पे है हाफ एच टू गैस के साथ प्लस हाफ आई टू गैस के साथ, और उसका साम्य स्थारिक यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रहा है स्थारिक 8। तो आपको अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में, ये पहला अभिक्रिया है आपका फर्स्ट अभिक्रिया, ये दूसरा अभिक्रिया में आपको बताना है कि एच टू गैस प्लस आई टू गैस इक्वल टू साम्य 2HI गैस का साम्य स्थारिक क्या होगा, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो ये इक्विलिब्रियम चैप्टर से, यानी चैप्टर नंबर 7 क्लास 11 न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस चैप्टर से। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा इसको देख लेते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको बस क्या एक चीज़ जानने का ज़रूरत है, बस एक चीज़ हम लोग जानेंगे सब हो जाएगा। यहाँ पे रिएक्शंस आप देख सकते हो, पहला रिएक्शंस क्या है, रिएक्शंस लिख रहा हूँ एच आई, ठीक है, गैस, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे है हाफ एच टू गैस के साथ, हाफ एच टू गैस के साथ प्लस हाफ गैस कर लीजिएगा इसको प्लस हाफ आई टू गैस के साथ, ठीक है। दूसरा रिएक्शन क्या है आपका, दूसरा रिएक्शन है कि एच टू गैस है प्लस आई टू गैस है इक्वल टू साम्य, साम इक्वल टू नहीं, साम्य इक्विलिब्रियम का साइन होगा 2HI गैस है। अब हमको इसका तो आगे यहाँ सॉल्व करने से पहले एक देख लेते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। सो आपको एक फिगर दे रखा है, टेबल 7.4, वो टेबल में जाके देखिएगा तो केमिकल इक्वेशन यानी केमिकल इक्वेशन प्लस आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वहाँ पे एक चार्ट दे रखा है। तो ए ए यानी स्मॉल ए कैपिटल ए बी बी साम्य अवस्था में आपका रहेगा सी सी प्लस डी डी के साथ, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग के कहते हैं। वहीं आपका जस्ट रिएक्शन को रिवर्स कर दे, सी सी प्लस डी स्मॉल कैपिटल डी और ए ए प्लस बी बी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, के सी डैश इक्वल टू 1KC, यानी KC को रिवर्स कर दिए। तो यहाँ पर भी आपका जस्ट वही हुआ, आप अच्छे से देखिए कि पहला रिएक्शंस में HI टूट रहा है और बदल रहा है हाफ H2 और हाफ I2 में, और यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 और I2 मिल बना रहा है 2HI। तो जस्ट आपको यहाँ पे रिएक्शन हो गया है रिवर्स, तो जब रिवर्स रिएक्शन रहता है, रिएक्शन हो गया क्या, रिवर्स रिएक्शन क्या हो गया है, रिवर्स। तो रिवर्स होने के कारण बस यही फार्मूला का यूज़ करना है हम लोग को, क्या है फार्मूला एक बार अच्छे से लिख रहा हूँ, K' = 1 by KC। तो हम क्या करेंगे, जस्ट KC निकालने के लिए सेकंड वाले के लिए वैल्यू पुट कर देंगे KC का, ठीक है, और N लगा देंगे। N का मतलब क्या है कि इसमें कितना हम लोग मल्टीप्लाई करें, तो 2 आपका N निकलेगा यहाँ पे, ये 2 निकलेगा, ठीक है। तो आपका 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसके आगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन के आगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड इक्वेशन के बराबर हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। तो करके देखिए 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 कट जाएगा, तो इस वजह से यहाँ N पुट किए, तो KC क्या निकला आपका 1/8 का स्क्वायर, तो वो आ गया 1/16। तो ये कंडीशन था। तो आपको क्या करना था, दूसरा इक्वेशन को ऐसा बनाने के लिए पहला इक्वेशन को दूसरा इक्वेशन जितना क्या मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन, तो n वो कहलाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई कर दिए पहला इक्वेशन में पूरा, LHS में भी और RHS में भी दोनों साइड, तो आपका मतलब यहाँ n का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में, वो तो आपका 1/16 आ गया। तो इसका 1/64 आएगा ना, 8 का स्क्वायर कितना होता है,
64, तो 64 होगा, करेक्ट कर लीजिएगा। जिनका भी बी आंसर आया 1/64, तो यहाँ क्या किए, बस के डैश सी इक्वल टू 1/KC और एन। एन क्या है कि दूसरा इक्वेशन जो था, दूसरा इक्वेशन को जैसा हमको पहले इक्वेशन को बनाने के लिए क्या करना होगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई, तो 2 करना होगा। तो 2 हम HI के आगे किए, यहाँ भी 2 किए, यहाँ भी 2 किए मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 किए। तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद 2 2 कट गया, इधर भी 2 2 कट गया। अब देखिए दोनों इक्वेशन एक जैसा हो गया, बस ये क्या है, रिवर्स में है। तो रिवर्स के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। अब बस एन का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका के डैश निकल गया, यानी के डैश निकल गया, और के सी तो हमें पता है कि 8 था, तो 8 का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ और एन कर दीजिए, तो 1/64 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल्स आता है, तो उसके लिए आपको बस एक सिंपल फॉर्मूला, ये टेबल भी याद रहता, ये टेबल, तो आपसे ये हो जाता। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आएगा क्लास के बाद एक बार फिर से रिपीट पे देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रू फॉर PCL? PCL होगा, PCI लिखा है, PCL कर लीजिएगा इसको, PCL, PCL गैस के लिए इक्वल टू PCL में पावर लगा देता हूँ मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, PCl5, ये L कर लीजिएगा, यहाँ भी L कर लीजिएगा, ये L है, I नहीं है। तो PCl5 इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2 गैस, ठीक है। अब आपको बताना है PCl गैस में, ये जो साम्य वाला इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, जो साम्य अवस्था वाला गैस के लिए क्या सत्य है। तो कंडीशन आपको दे रखा है, 4 कंडीशन MCQ में आपको बताना है कि इसके लिए PCl5 गैस इक्विलिब्रियम पे रहेगा PCl3 प्लस Cl2 गैस के साथ। तो आपको बतलाना है कि ये कंडीशन कौन सा करेगा फिर इस क्वेश्चंस के लिए। सो ये क्वेश्चंस आपका चैप्टर नंबर 6 से है, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स का, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चंस है, ठीक है, क्लास 11th, चैप्टर नंबर 6। यहाँ से भी ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछा गया। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, ये हो गया इक्वेशन। अब हमको इसमें पूछ रहा है कि इसके लिए सत्य क्या होगा, तो डेल्टा एच और डेल्टा एस का बात कर रहा है, यानी हीट हीट और आपका स्पॉन्टेनिटी का बात कर रहा है। तो स्पॉन्टेनिटी का कब होता है, स्पॉन्टेनिटी जब रिएक्शन आपका यहाँ पे एक्सोथर्मिक हो, खुद से हो, उसको हम लोग स्पॉन्टेनिटी बोलते हैं। तो उससे पहले आपको एक फॉर्मूला जानना ज़रूरी है इसी चैप्टर का, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। और डेल्टा एन निकालने का एक क्या फॉर्मूला है आपका, कि प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन प्रोडक्ट ऑफ मोल्स माइनस चेंज इन रिएक्शन। तो यहाँ क्या था, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट होता है, ये रिएक्टेंट होता है, यानी PCl वाला रिएक्टेंट है 5 और ये वाला आपका प्रोडक्ट है। तो आपका यहाँ पे कितना प्रोडक्ट है, तो आपका 2 प्रोडक्ट्स है रिएक्टेंट साइड में, सॉरी प्रोडक्ट साइड में, और एक रिएक्टेंट साइड में, तो 1 होगा। तो ये क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हो गया, आपका डेल्टा एच हमेशा ग्रेटर रहेगा 0 से। इसका मतलब हीट ये निकालेगा, इसको मतलब चाहिए, अगर नेगेटिव रहता तो मतलब हीट निकलता है, लेकिन ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब होता है कि इसको हीट चाहिए, मतलब एंडोथर्मिक, इसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और जहाँ नेगेटिव रहता है हीट का वैल्यू डेल्टा एच, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं, मतलब उसमें से हीट रिलीज होता है। तो जस्ट स्पॉन्टेनिटी क्या हो जाएगी आपकी, डेल्टा एस इक्वल टू आपका ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये रिएक्शंस क्या हो रही है, यहाँ पे रिएक्शन ये एंडोथर्मिक हो रही है, हम लोग इसको हीट दे रहे हैं तब ये रिएक्शन, यानी PCl5 को जब हम लोग हीट देते हैं अपने तरफ से, डेल्टा एच यानी हीट ऊष्मा देते हैं, तब जाके ये टूट के बदलती है PCl3 और Cl2 में। तो ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, इसको हम लोग देंगे, तो इसलिए डेल्टा एच हमेशा आपका रहेगा ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि हम लोग हीट दे रहे हैं, अगर निकलता एक्सोथर्मिक तो ये नेगेटिव में रहता, तो नेगेटिव नहीं है ये, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, तो सबसे पहले तो डेल्टा एच हमेशा ग्रेटर देन होगा 0। तो वो क्या दर्शाता है कि एंडोथर्मिक है। और स्पॉन्टेनिटी कैसे पता चलता है कि आपका डेल्टा एन क्या निकाल रहे हैं स्पॉन्टेनिटी के लिए, एस निकालने के लिए, तो चेंज इन प्रोडक्ट ऑफ मोल्स माइनस चेंज इन रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का माइनस किया, यानी दो प्रोडक्ट्स इधर है PCl3 प्लस Cl,
तो 2 से माइनस कर दिए 1 को, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट साइड में एक ही है, तो ये भी आपका प्लस 1 आया, तो प्लस 1 आया तो मतलब एस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या आएगा, तो ये क्या आंसर रिएक्शन क्या आएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, ठीक है, अपने आप हो जाएगा जब हम लोग इसको हीट देंगे तो, ठीक है, तो हीट देना पड़ता है इसको, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो क्लास के बाद एक बार दोबारा देख लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स है, एक बार में नहीं समझ में आता, एक से दो बार देखिए चैप्टर्स, अगर आप नहीं पढ़े हो तो एक बार पढ़िए, डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एस क्या होता है, कैसे डेल्टा का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको डिटेल में एक बार करवाऊंगा आगे चल के सीरीज में, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर्स मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा, ठीक है, कहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं मैं सारे चीज़ करवाऊंगा, और नहीं अभी भी समझ में आए तो क्लास के बाद एक बार बैक करके न्यूमेरिकल्स फिर से देखिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, क्योंकि इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे। सो आपको ये टाइप्स के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स जितने भी केमिस्ट्री में मैं करवा रहा हूँ आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर इसका बी था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है आपसे, सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट द क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन बिकम्स, तो आपको क्रांतिक मिसल्स सांद्रता पर सर्फेक्टेड अणु हो जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका ए अपघटित, बी है आपका वियोगमित, सी है संयुग्मित और डी है घुलनशील। तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये आपका कहाँ से पूछा गया, सीएमसी क्या होता है, क्रिटिकल मिसल्स कॉन्सेंट्रेशन यानी क्रांतिक मिसल सन्नद्रता क्या होता है आपका, सीएमसी क्या होता है। तो ये सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री का सवाल है, सरफेस केमिस्ट्री का सवाल है, और ये कक्षा 12 का चैप्टर है एनसीईआरटी का, वहाँ पे आपको क्रिटिकल मिसल्स कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सीएमसी पे क्या होगा जब सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो बस एक चीज़ याद रखिएगा, सीएमसी क्या होता है, मिसल्स क्या होते हैं आपके, मिसल्स होते हैं कि आपका जैसे ही सीएमसी पे पहुंचते हैं क्रिटिकल मिसल्स कॉन्सेंट्रेशन पे वो एग्रीगेट होने लगते हैं, ठीक है, बल्क फेज में, जब बल्क फेज में रहते हैं एक साथ बहुत सारे सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो क्या होते हैं आपस में ये एग्रीगेट होने लगते हैं, एग्रीगेट होके ये लोग बनाते हैं क्या, ये आपका सीएमसी क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन के बाद वो अपना क्या बनाने लगते हैं, मीजल्स, इसको क्या बोलेंगे, मीजल्स, तो मीजल्स फॉर्म होने लगते हैं। तो वो क्या होता है ये प्रोसेस, तो कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या हो गया, एग्रीगेट, एक साथ आना, तो एग्रीगेट्स होने लगते हैं मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट यानी संयुग्मिता होगा, तो क्यों, क्योंकि मीजल्स बन रहे हैं, कब कब बन रहे हैं मीजल्स, जब आपका सीएमसी रीच हो रहा है, और किस चीज़ से बन रहे हैं, सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ जाते हैं सीएमसी पे, तो वो आपका संयुग्मिता यानी कॉन्जुगेटेड एग्रीगेट, एक साथ जुड़ जाना। तो ये आप था क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ईजी सवाल था, बस थ्योरी पढ़ा होना चाहिए था, ये सॉल्व हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए अब नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू ए रिडक्शन, हाइड्रोजिनेशन, सी क्लोरीनेशन और डी ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्लोरीन, क्लोरीन की वर्जन क्रिया इसके कारण होती है, अपचयन, हाइड्रोजिनेशन, क्लोरीनेशन और ऑक्सीजीकरण। तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन यहाँ पूछा गया है, ठीक है, क्लोरीन का वर्जन, तो क्लोरीन क्या है, Cl2, और आपका जो ड्राई रहता है Cl2 वो आपका ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, वो ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, नो, लेकिन जो आपका क्लोरीन जब आपका आ जाता है वाटर के प्रेजेंस में यानी एक्वेस हो जाता है मॉइस्चर के प्रेजेंट में, तो वो आपका क्या बनाता है, Cl2 एक्वेस पानी के साथ क्या बनाता है आपका, HCl प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है, क्या बोलते हैं उसको, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन आपका ब्लीचिंग एक्शन देता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन आपका ब्लीचिंग एक्शन देता है, ठीक है, एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ, ये जो Cl2 है ड्राई में ये ब्लीचिंग एक्शन नहीं देता है, लेकिन जैसे ही इसमें वाटर मॉइस्चर आने लगते हैं तो ये क्या बनाता है, HCl, क्या बनाता है, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है।
और ये नेसेंट ऑक्सीजन ही आपका ब्लीचिंग एक्शन देता है। वो कैसे कि कोई भी कलर्ड सब्सटेंस हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं ब्लीचिंग एक्शन हम लोग क्लोथ्स वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अपना ही हम लोग टी शर्ट्स कलर रेड ब्लू ग्रीन, और उसको हम लोग ब्लीचिंग यानी क्लोरीन के साथ, ब्लीचिंग पाउडर के साथ अगर मिला दें तो कलरलेस कर देता है। तो इसका कारण क्या है, इसमें नेसेंट ऑक्सीजन जुड़ता है इसके साथ, कलर्ड वाले सब्सटेंस के साथ, और इसको कलरलेस कर देता है। क्या करता है, कलरलेस कर देता है बिकॉज ऑफ ब्लीचिंग एक्शन, नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का यहाँ एडिशन हो रहा है कि इसमें जो भी हम सब्सटेंस कलर्ड ले रहे हैं उसमें। तो हम लोग पढ़े हैं ना कि आपका ऑक्सीजीकरण क्या है, किसी भी सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसको हम लोग ऑक्सीजीकरण बोलते हैं यानी ऑक्सीडेशन। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इस प्रोसेस में। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, डी, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ कलर्ड सब्सटेंस में ऑक्सीजन यानी नेसेंट ऑक्सीजन हम लोग जोड़ रहे हैं, उसको कलरलेस कर दे रहा है। और घर में भी हम लोग देखते हैं कि कभी कभी ब्लीचिंग पाउडर अगर सट जाए किसी चीज़ में, मतलब चिपक जाए पाउडर, तो उसमें थोड़ा सा पानी मिल जाए या मॉइस्चर, तो उस कपड़े को वो वहाँ से कलरलेस कर देता है, चाहे वो कलर ब्लैक हो, ग्रीन हो, रेड हो, उसको वहाँ से कलरलेस करके वाइट ही कर देता है, कलरलेस कर देता है वाइट वाइट में। तो आपका ऑक्सीजनकरण के वजह से होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, और लाइक करना नहीं भूलिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका वैल्यूएबल फीडबैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए अब नेक्स्ट सवाल पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ये सवाल है विच डज नॉट गिव एन आइडोफॉर्म रिएक्शंस। तो आइडोफॉर्म रिएक्शंस इनमें से कौन नहीं देते हैं, ये आपका प्रश्न है। तो इनमें से तीन आपके ऑप्शन है जो आइडोफॉर्म रिएक्शंस देंगे। तो आइडोफॉर्म रिएक्शंस क्या होता है, तो एक तरह का टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, जिसमें हम लोग I2 और NaOH का एज अ यूज करते हैं रिएजेंट इसमें, तो आपको रिजल्ट क्या मिले, CHI3। अगर ये आपको रिजल्ट में मिल रहा है तो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, मतलब रिएक्शन पॉजिटिव है तो आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट। अगर नहीं बन रहा है CHI3 तो वो नहीं देगा। तो यहाँ पर B, C और D आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, ठीक है, वो कैसे, और CH3OH नहीं देंगे। इसका कारण यह है कि कम से कम दो कार्बन रहना चाहिए आइडोफॉर्म देने के लिए। एक नियम है कि कम से कम दो कार्बन रहने चाहिए कंपाउंड में, तो यहाँ पे बस मात्र एक है, बाकी सब में देखिएगा तो दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो से अधिक है, तो दो कम से कम मिनिमम रहने चाहिए। अगर नहीं है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा ही नहीं। तो CH3OH जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे I2 और NaOH के साथ तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। बाकी सब तीनों के साथ कराएंगे तो सब में आपको रिजल्ट मिलेगा CH3 यानी आइडोफॉर्म CH3, तीनों में आपको CH3 मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका। बाकी का आपको तीनों का रिएक्शन बी और सी और डी के लिए लिखना है। नहीं आप अगर समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चंस का रिएक्शन, तो मैं इसका एक एक का रिएक्शंस लिख के टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक एक रिएक्शंस किस तरह से होंगे आपको लिए वहाँ पर मैं डाल दूंगा। तो जाके नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है PPI ट्यूटोरियल का, जाके वहाँ ज्वाइन कीजिए। क्लास के बाद आपको मैं वहीं पे लिख के पूरा अच्छे से चारों स्टेप, चारों रिएक्शंस लिख के डाल दूंगा, क्योंकि रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वहाँ से आपको रिएक्शंस देख के समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं अभी तीनों का रिएक्शंस नहीं लिखवा रहा हूँ। तो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम में जाके अभी जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है, मिथेनॉल। सो आइए देख लेते हैं प्रश्न, अब लास्ट प्रश्न इस बार का यानी 2019 का। तो ग्लिसरॉल इज हीटेड विथ ऑक्सैलिक एसिड एट 260 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म, यानी हिंदी में देख लेते हैं कि ग्लिसरॉल को ऑक्सीजिलिक ऑक्सैलिक एसिड अल्म के साथ 260 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर बनता है एलाइल अल्कोहल, फॉर्मिक अल्म, एसिटिक एसिड और CO2H2। तो आपका
चार ऑप्शन है, अलाइल अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और CO, CO2 + HO, H2O। ठीक है, तो आपको बताना है। तो ग्लिसरॉल पहले क्या होता है? ग्लिसरॉल सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ग्लिसरॉल का। तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे इजी स्ट्रक्चर है CH2OH, CHOH, फिर आपका है CH2OH। सो जोड़ दीजिए तीनों को, बन गया आपका ग्लिसरॉल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। ये क्या है? ग्लिसरॉल है। ठीक है, अब इसको हम लोग ऑक्जैलिक एसिड के साथ करते हैं। अब ऑक्जैलिक एसिड क्या है? ऑक्जैलिक एसिड आपका और इजी है, COOH, COOH, जोड़ दीजिए कार्बन कार्बन को, ऑक्जैलिक एसिड, ऑक्जैलिक एसिड। ठीक है, तो ये ऑक्जैलिक एसिड हो गया। ठीक है, तो ये आपका ऑक्जैलिक एसिड। अब हम लोग को रिएक्शन कराना है, तो दोनों को लिख दीजिए, ग्लिसरॉल को CH 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 2OH OH 2OH, ठीक है, प्लस COOH COOH। अब हम लोग इसको रिएक्शन करा दिए, 2H2O माइनस कर देंगे, 2H2O माइनस कर देंगे, तो CH3 CH CH2OH OOC OOC। अब इसको हीट करेंगे, हीट वाला प्रोसेस यहाँ ले आते हैं, हीट करेंगे। नीचे है फर्स्ट, ये है सेकंड, यहाँ पे इसको हीट करेंगे तो -2 CO2 निकलेगा इसमें से, और CH3 CH और CH2OH यानी अलाइल अल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अलाइल अल्कोहल। तो आपका अलाइल अल्कोहल बनाएगा। अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है रिएक्शन, कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। तो अलाइल अल्कोहल होगा। अलाइल अल्कोहल का मैं फॉर्मूला यहाँ बना देता हूँ फिर से, जो प्रोडक्ट मिला हमको CH3 डबल बॉन्ड CH और CH2OH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलाइल अल्कोहल, अलाइल अल्कोहल। तो ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ऑर्गेनिक से समझ में आ रहा होगा कि 2019 में तीन प्रश्न थे ऑर्गेनिक से, तीन प्रश्न को, ये था ग्लिसरॉल के ऊपर, दूसरा था आइडोफॉर्म टेस्ट के ऊपर, और तीसरा था ग्रिग्नान रिएजेंट। तो आप समझ सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कितनी इंपॉर्टेंट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि तीन से ज़्यादा प्रश्न आ सकते हैं इस बार भी, यानी 2021 के पैरामेडिकल एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ गया तीन प्रश्न, तो बहुत ईजिली मार्क्स मिलेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से करना होगा। आज का यही मैं बोलना चाहूँगा कि क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और रिएक्शंस नहीं समझ में आ रहे होंगे अच्छे से, तो डिटेल में आपको प्रत्येक क्वेश्चंस का एक PDF बना के मैं डाल दूंगा, तो वहाँ जाके भी आप लोग नोट्स बना लीजिए, और नोट्स बनाते चलिए और रिपीट पर देखते चलिए। नहीं समझ में आया केमिस्ट्री को, फिर से देखिए, क्योंकि केमिस्ट्री न्यूमेरिकल है, बायोलॉजी से थ्योरी बेस्ड है, तो उसको आप एक बार में समझ सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार कम से कम इस वीडियो को देखिए। यहाँ नहीं समझ में आ रहा डिटेल में देखिए, और जो रिएक्शंस अगर नहीं अच्छे से स्क्रीन पर मैं लिख पाया हूँ तो उसका तो PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, सो इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस, लाइव क्लासेस और VVI क्वेश्चंस आपके एग्जाम पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और ITI से संबंधित सभी एग्जाम्स के लिए, बिहार, UP, झारखंड के लिए, कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और इसी तरह हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, एंड थैंक्स फॉर द वॉच।